मुझे आंचल की रिपोर्ट देखनी होगी, मुझे देखना होगा कि हमारा बच्चा सही सलामत है या नहीं। हम अंदर कैसे जाऊंगे? कुमसा, रुचिता दीदी को नहीं लेके जाएंगे? वो नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता कि रुचिता की वजह से कोई दिक्कत हो और हमारे बच्चे पर उसका असर पड़े। उसे घर में ही रहने दो। चलो। हेलो यार बेटा, देखो मैं जानता हूं कि ये सब तुम खानदान के चिराग के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा फिर एक बार सोच लो। इसके लिए तुम्हें आंचल से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त लेते हैं और एक बार फिर से सोचो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बेटा। सॉरी पापा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने शादी का फैसला ले लिया। जॉब नहीं बदलेगा। खैर, मुझे देर हो रही है, मंदिर जाना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनो निहार, आंचल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो कुमसा, बच्चे की वजह से बहुत प्यास लगती है और पानी नहीं पीती हूँ तो कमजोरी महसूस होती है, इसलिए शायद चक्कर आ गई। तुम 2 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। ऐसे ही ये लोग फोन कर करके हुकुमसा का मन ना बदल दे या फिर मंदिर ना पहुंच जाए शादी रोकने के लिए, उससे अच्छा है मैं इनका फोन ही बंद कर देती हूँ। हे भगवान, पहले ये लड़की घर में खेलती थी, फुदकती थी, अब खिड़की से भी कूद रही है, पगलेट। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि मैं खुद एक बच्ची हूँ। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। पगलेट, चल जा बाहर, जा बाहर जाके खेल। ओके। अरे क्या करती है ये लड़की, पागल कहेगी, ये क्या कर दिया आप शगुन? तेरी वजह से मुझे दूसरी थाल जाकर सजानी पड़ेगी। सॉरी। शादी में और देर हो उसके लिए मुझे इस ताइमा का कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या? हाँ चल। कुमसा, अब चलते हैं, मुहूर्त का समय हो रहा है। 2 मिनट और रुक जाओ आंचल, दाइमा अभी तक नहीं आई। मेरा परिवार तो यहाँ है नहीं, कम से कम हम दोनों में से किसी के परिवार में से तो कोई एक सदस्य होना चाहिए ना। छोड़िए ना उन्हें हुकुमसा, वो आ जाएंगी, उनको सब पता है। मैं फोन करता हूँ। नहीं हुकुमसा, मैं फोन करती हूँ, आप रुकिए। हेलो दाइमा, कब आ रहे हो? देर हो रही है हमें। हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट में आना है तो आइए, नहीं तो आना बाद में बस से। चलिए ना हुकुमसा, दाइमा नहीं आएंगी, मंदिर में पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे, हम ही चलते हैं। चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते ना, आ रही होगी अभी, बस आ ही जाएंगी। हुकुम साहब, आपको आपकी होने वाली बच्चे की कसम, आप चलिए अभी के अभी चलिए। चलो।
कोई दरवाजा खोलो। ये लगता है स्पगलेट ने मुझे बंद कर दिया। सुरुचिता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखाऊंगी उसको। अरे खोलो कोई। दाइमा को तो बंद कर दिया, अब जल्दी से मैं रिपोर्ट ढूंढ लेती हूँ। पता नहीं साचल की वजह से हमारा बच्चा ठीक है भी या नहीं। कहाँ रख सकती है वो, कहाँ रखा है इसने? आचल रिपोर्ट लेकर के बाथरूम गई थी, पर वापस लेकर नहीं आई थी। इसका मतलब रिपोर्ट बाथरूम में है। एक बार जाके चेक कर लेती हूँ। कहाँ रख सकती है आचल रिपोर्ट्स को? खाटू जी का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? इसके नाम के नीचे क्या है? हुकुम साहब, आप इतने धीरे क्यों गाड़ी चला रहे हैं? ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। आंचल, सड़क पे देखो ना कितने गड्ढे हैं, और बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा रहा तो अगले हफ्ते तक भी शादी नहीं होगी। हुकुम साहब, बच्चा बिल्कुल ठीक है, देखिए आगे सड़क भी एकदम ठीक है, जल्दी चलाइए ना। अंजलि कौन है? आंचल हमसे क्या छुपाना चाह रही है? ऐसा तो नहीं कि आंचल ने हमारे बच्चे के साथ कुछ कुछ कर दी? मुझे ये बात निहारी को बतानी होगी। ये निहारी का फोन क्यों नहीं ला? जरूर आंचल ने कुछ कर दिया होगा उनके फोन के साथ, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, जिस हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आया है मैं वहाँ कॉल करके पूछती हूँ। हाँ हाँ जी, आंचल नाम की सरोगेट मदर की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और जिस डॉक्टर ने उनकी सरोगेसी की थी वो आज छुट्टी पे है।
इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। लेकिन डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज कुछ तो कर दीजिए, मुझे मेरे बच्चे के हेल्थ के बारे में जानना है। कोई तो रास्ता होगा। आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए पेशेंट की? तो आपको हमें पेशेंट का ब्लड देना होगा, फिर हम टेस्ट करके आपको फ्रेश रिपोर्ट दे देंगे। ब्लड कहाँ से लाऊं आंचल, तो जा चुकी हूँ। कोई है यहाँ पे? दरवाजा खोलो। ये आंचल खुद को रानी समझती है, तो अब इस रानी की गुलामी इसका सत्ता छीनने की शुरुआत करेगी। क्या करूं, धत तेरी की, लगता है मेरा दिमाग भी खराब हो गया। हे भगवान, गला फाड़ फाड़ के चीख रही हूँ, फोन कर लेती हूँ। कौन है, कौन? पगलेट तू? अरे क्या छिड़क रही है, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे भी शादी में जाना है। सब शादी में चले गए, मुझे अकेला छोड़ के दोस्त भी चला गया, मुझे कोई लेकर नहीं गया। मुझे भी वहाँ पे खाना खाना है, मुझे शादी में जाना है। आज आंटी को बुलाओ, मुझे उनके साथ जाना है, वरना वरना क्या कर लेगी? हाँ वरना वरना मैं आपको इस रॉकेट पर बिठा के उड़ा दूंगी। जुप, जुप। मैं बुलाती हूँ, रुक जा, करती हूँ मैं फोन, रुक तेरी माँ। बस अब मंदिर आने ही वाला है हुकुम साहब। पता नहीं रुचिता शादी रोकने के लिए क्या कर रही है। खाटू जी प्लीज उसका साथ देना। क्या है? आचल बेटा, तू जल्दी यहाँ पे आ जा और मुझे बचा ले, वरना ही पगलेट मुझे मार देगी। हम बस मंदिर में पहुँचने वाले हैं, आप नहीं आ सकते। सुन मेरी बात, अगर तुझे अपनी शादी प्यारी है ना, तो मुझे अपनी जान प्यारी है। चुपचाप इधर आ जा, वरना तेरा सच मैं गोयल परिवार और पुलिस को बता दूंगी। अगर मैं मरी तो भी नहीं बचेगी, समझी ना? हुकुम साहब गाड़ी घुमा लीजिए। जरूर रुचिता ने कुछ तो किया है। क्यों आंचल, क्या हुआ? हम तो पहुंचने ही वाले हैं बस। रुचिता की हरकत के बारे में बताया तो हुकुम साहब परेशान होकर उस पर ध्यान देने लगेंगे। हुकुम साहब एक जरूरी काम आ गया है, मैं सिंदूरदानी घर में दाइमा के पास छोड़ के आई हूँ। पर सिंदूरदानी तो हम ले सकते हैं ना बाहर से, इसमें घर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं हुकुम साहब, वो मेरी माँ ने मेरे लिए सहेज के रखे थे, वो मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। और डॉक्टर ने दवाई भी लेने के लिए बोला है, आप दवाई ले लेना और मैं दाइमा से सिंदूरदानी ले लूंगी। ठीक है। बेटा वो आ रही है। हाँ आ रही है मेरी माँ, रुक जा, आ रही है वो। ठीक है छोड़ दे। हाँ ये रॉकेट छोड़ दे तू। छोड़ दूँ? हाँ। ये पगलेट, भगवान बचा ले मुझे। ये नकली था? हाँ ये तो नकली है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, नकली नकली था ये। लेकिन ये नकली था, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल असली बॉम्ब है। अभी जला के दिखाती हूँ। मेरा अच्छा बच्चा, प्लीज
प्लीज मत जलाना। आंचल आती आ रही है। हे भगवान, ये आंचल तो जबरदस्ती कहीं मेरे निहार से शादी न कर ले, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनिए ना, कुछ कीजिए प्लीज, किसी तरह से शादी को होने जरूर किए। अब पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाभी को जल्दी थी ना आंचल को अपने घर की बहू बनाने, आप ही ले आए थे ना आंचल को इस घर में, और तो और उसे सरोगेसी के लिए भी आप ही ने तैयार किया था। अब भुगती आपकी गलतियों की सजा मेरा बेटा निहार भुगत रहा। तो हो गई गलती मुझसे जी, क्या करूं अब, लेकिन ये शादी होने से किसी तरह से भी रोकिए ना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बेटे की जिंदगी को बचा लीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। नरेश बेटा, पूनम बिल्कुल सही कह रही है, किसी भी तरह इस शादी को रोक ले। अब इस शादी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है माँ, हमें किसी भी तरह उस मंदिर में पहुंचना होगा जहाँ इनकी शादी हो रही है, और उस आंचल से मिन्नत करनी होगी या उसे समझाना होगा कि ये शादी न करे। पर पापा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मंदिर में वो शादी कर रही है? अब तो निहार का फोन भी नहीं लग रहा है। ये आंचल, इसे बहुत जल्दी है ना शादी करने की, जरूर घर के पास किसी मंदिर में जब शादी रचा रही होगी, वो मैं कह रही हूँ। आप उसे फिर से गलत समझ रही है पूनम, वो बहुत ही शातिर है, वो नहीं चाहती कि हम लोग इस शादी में आए, और इसलिए शहर से दूर कोई मंदिर में शादी कर रही हूँ। हमें ये सोचना होगा कि शहर से दूर ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ वो शादी कर सकती है। आंटी, मुझे भी शादी में लेकर जाना, मुझे भी आपके साथ जाना है शादी में, प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, मुझे शादी में लेकर चलो। अब मुझे जल्दी से आंचल के खून की जांच करवानी होगी। आंटी, मुझे भी शादी में लेकर जाना, मुझे भी आपके साथ जाना है शादी में, प्लीज। नहीं छोड़ूंगी, मुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे शादी में लेकर चलो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे नाखून मारा, तेरी तो क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तो मैं अभी अंदर बंद करती हूँ, चल अंदर। दाइमा, दाइमा जल्दी चली। हाँ हाँ आंटी, मुझे जाने में, चल अंदर। नहीं, चल चल अंदर, चल अंदर, चल मुझे, चल आंटी। आ छा पगलेट को बंद कर दिया, चल। आंटी, मुझे भी शादी में लेकर चलो ना, मुझे भी आपके साथ जाना है शादी में, प्लीज। नहीं छोड़ूंगी, मुझे शादी में लेकर चलो। अब मुझे जल्दी से आंचल के खून की जांच करवानी होगी। दरवाजा तो लॉक कर दिया, अब मुझे ये क्या कर रहे हैं आपने आंटी? हो सकता है सबूत ढूंढते वक्त तुम कहीं फंस ना जाओ, ऐसे में ये तुम्हारे घर के बाहर निकलने के काम आएगा। इसे मैंने हर खिड़की पर लगा दिया रुचिता। थैंक यू निहान जी, और देखिएगा खाटू जी की कृपा से हम इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। आप यहाँ वेट करिए, आपकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी। देवी माँ प्लीज, ये शादी रोकने के लिए रुचिता की मदद कीजिए। आपकी रिपोर्ट तैयार है। Jai Bhagavati Devi Namo Varade।
पंडित जी कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? देवी माँ, प्लीज ये शादी रोकने के लिए रुचिता की मदद कीजिए। आप यहाँ वेट करिए, आपकी रिपोर्ट अभी आ जाए। क्या? क्या हुआ? पंडित जी को पता चल गया कि मैं पेट से हूँ और वो बोल रहे हैं कि एक गर्भवती महिला फेरी नहीं ले सकती, इसलिए वो शादी नहीं करवाएंगे। थैंक यू माता रानी। हाँ चल, ऐसा तो मैंने भी सुना है। हमें काम कर लेते हैं, अभी शादी कैंसिल कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। शादी तो आज के आज ही होगी और इसी मंडप में होगी। वो रहे पंडित जी। मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। आपकी रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट? इतना बड़ा झूठ, मुझे ये शादी रोकनी होगी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सुचिता तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सुचिता तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ।